बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पत्थर वाली चक्की के, जो पत्थर होते हैं पहाड़ी पत्थर, उस पर वीडियो बनाई थी, और जिसकी जिसकी जो भी डिमांड है उस पर उनका नंबर मैंशन था, आपने बात की होगी डेफिनेटली। अब मैं मौजूद हूँ एक दूसरी दुकान पर जहाँ पर एमरी स्टोन अवेलेबल हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिन्हें मसाले वाले पत्थर कहते हैं। अब भी मेरे साथ मौजूद हैं आमिर भाई, इनसे पूछते हैं कि ये कितने कितने साइज़ में अवेलेबल होते हैं और इनकी क्या प्राइस वगैरह होती है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताएं इसके बारे में थोड़ा, किस किस साइज़ के हैं? और ये जो है ना 12 इंची, 16 इंची, 20 इंची, 24 इंची और 30 इंची के पत्थर होते हैं। अच्छा, ये जो पड़े हैं इसको टूल लगा हुआ है? हाँ, ये टूल लगा हुआ पत्थर है, ये 16 इंच की जोड़ी है। अच्छा, ये 16 इंच की जोड़ी? हाँ जी, 16 इंच की है। ज़्यादातर जो इस्तेमाल हुआ जाता है वो जाना ये 20 इंच का साइज़ होता है। 20 इंच का? हाँ जी, 20 इंच। ये 20 इंच के पत्थर पड़े हैं। अच्छा। हाँ, ये 20 इंच के पत्थर पड़े हैं ये सारे। तो ये जाना ये इसको बगैर टूल लगा हुआ, टूल लगी हुई सारी जोड़ियों में अवेलेबल होती हैं। ये घर आते कहाँ से हैं? हाँ जी, कहाँ से मंगवा रहे हैं? कराची से आते हैं ये। अच्छा। कराची से? हाँ, स्पेशल अमीरी होती है, रेता और किरका वगैरह ये नहीं देती मशीन पत्थर। हाँ जी, इनकी जिम्मेवारी होती ये है। इसमें ये रेड कलर नज़र आ रहा है, ये कोई अलग बस ऐसे हम मुख्तलिफ रंगों में बनवा लेते हैं ये, ब्लैक कलर में भी, रेड कलर में भी, वाइट कलर में भी। सही। हाँ, तो ये कड़ा लगा के साथ देते हैं? हाँ जी, ये मुकम्मल होता है, कड़ा छड़ा इनको लगा हुआ होता है। प्लस ये की बता दें कि टूल लगा के प्राइस डिफरेंट है या बगैर टूल के अलग प्राइस होती है? ऐसे टूल कर लगा के जाना वो जाना मुख्तलिफ प्राइस हो जाती है, क्योंकि 500 रुपये से टूल वाला ले लेता है अलहदा से। अच्छा, ये कौन कौन साइज पड़ेगा थोड़ा सा बता दें? ये 20 इंच का साइज पड़ा हुआ है जी, ये 12 इंच का साइज पड़ा हुआ है, ये 20 इंच है, ये 24 इंच है। अच्छा, ये 24 इंच पड़ा हुआ है? हाँ, ये 24 इंच का साइज पड़ा हुआ है। सही। और वो बाहर जो पड़ा हुआ है वो कितना, 18 इंच है? नहीं, ये भी 20 इंच है। अच्छा, ये भी 20 इंच पड़ा हुआ है? 20 इंच है, टूल लगी हुई है जोड़ी है ना। अच्छा, फेस हुआ हुआ है, ये नज़र देख सकते हैं भाई कि आप ये जो है ना, इन्होंने इस पर टूल लगाया हुआ है। ठीक है, इस पर भी ये सारा ये देख लें। हाँ। कि बकायदा इन्होंने टूल लगा के रखी हुई हैं जोड़ियाँ। अगर आप चाहिए होगा तो आप इनसे बात कर सकते हैं। मैं आपको इसके अलावा एक बड़ा पीस दिखाता हूँ, जो 30 इंच की जोड़ी है, जो सबसे बड़ी जोड़ी है। वैसे इस्तेमाल बहुत कम होती है, नॉर्मली कहाँ इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा? ये मिलों में इस्तेमाल होती है, वो मिट्टी को पीसते हैं, चाट मिट्टी पीसते हैं, और ये जो है ना खाद की मिट्टी वगैरह जो है ना वो पीसते हैं। सही। हाँ, तो उसके लिए जो है ना ये इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ जो है ना जगहों पे, खाद वगैरह पे इस्तेमाल होती है। हाँ जी, लाइफ तकरीबन कितनी है इसकी? ये अगर दिन रात का काम हो तो ये कम से कम साल जो है ना ये जोड़ी चल जाती है। प्राइसेस वगैरह नॉर्मल ही है, ज़्यादा होती हैं? प्राइसेस इनके नॉर्मल ही हैं। कहाँ से शुरू हो रही हैं? अब जैसे नहीं, वैसे बता दें कहाँ से शुरू हो रही है, साइज के बगैर बता दें। ये 4000 से शुरू होती है जोड़ी। हाँ, साइज के अलावा जो है ना ये तकरीबन 12000-15000 की जोड़ी है। जैसे ये 30000 की जोड़ी है। अच्छा, ये 30 इंच की जोड़ी है, ये तकरीबन 20000 रुपये की है। सही। हाँ, ये 30 इंच वाली जो है 20000 रुपये की है। बाकी जो है ना ये जो नॉर्मल साइज जो चलते हैं जी, ये 4000 से लेके 10000 रुपये तक है। 4000 से लेके 10000 तक की होती है। इसमें कोई खुरने की शिकायत आती है आटे में या किसी चीज़ में ज़्यादा? नहीं, आटे में इसमें किरक वगैरह रेता वगैरह नहीं देती। अच्छा। हाँ जी, आटे में भी होती है, मिर्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है, नमक के लिए भी ये इस्तेमाल होता है पत्थर, चावलों के आटे के पिसाई के लिए भी ये इस्तेमाल होता है पत्थर। अच्छा, ये कलर आप खुद ही डलवाते हैं खूबसूरती के लिए? हाँ, वो बगा की डिमांड होती है कि किस कलर में चाहिए, किस कलर में नहीं चाहिए। वो एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं ना तो उन्होंने कहा उस कलर पे इतमाद बना हुआ होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है जनाब, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।